नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, ऑटोमेटिक मशीन हर किसी के पास नहीं होती है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, और मैं सारा सिलाई का काम इस नॉर्मल मशीन से करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ नॉर्मल मशीन की फुल रिपेयरिंग की वीडियो। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है और उसमें कोई भी कमी आती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ठीक कर सकते हैं अपने आप ही। तो देखिए, सुई से लेकर मशीन की छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहले सुई के बारे में। देखिए, सुई ज़्यादातर 5 तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। 11 नंबर, ये 14 नंबर, और ये 16 नंबर, और ये 18 नंबर, और ये 21 नंबर। सुई एक साइज की होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसकी जो नोक होती है ना, वो थोड़ी सी पतली या मोटी होती है, और जो 21 नंबर होती है ना, उसकी सुई ज़्यादा मोटी होती है नोक। अब देखिए किस तरह के कपड़े पर इस्तेमाल की जाती है। जो 11 नंबर सुई होती है वो स्ट्रेचेबल कपड़ा मतलब टी शर्ट या लोअर पर इस्तेमाल की जाती है, बनियान वगैरह पर। और दोस्तों, जो 14 नंबर सुई होती है वो शिफॉन के कपड़े पर, सनील के कपड़े पर यूज की जाती है। और जो 16 नंबर सुई होती है वो हम नॉर्मल जो रेगुलर में पहनते हैं ना कपड़ा, कॉटन वाले कपड़े, उसके ऊपर यूज की जाती है। और 18 नंबर जो सुई होती है वो खादी कपड़ा मतलब कि कॉटन का जो मोटा कपड़ा होता है और खादी कपड़ा होता है, उस पर इस्तेमाल की जाती है। मैं ज़्यादातर 16 और 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करती हूँ, जो रेगुलर में यूज की जाती है ना, ये वाली दोनों सुई का। और दोस्तों, 21 नंबर सुई होती है उसकी नोक मोटी होती है, जो मोटे कपड़े पर यूज की जाती है, जैसे कि जीन्स का कपड़ा, बैग में पाइपिंग लगाते समय या फिर जिप लगाते समय, इसकी नोक ना मुड़ती नहीं है मोटी के कारण। 11 नंबर स्ट्रेचेबल कपड़ा, 14 नंबर शिफॉन का कपड़ा, 16 नंबर नॉर्मल कपड़ा जो रेगुलर यूज करते हैं हम, 18 कॉटन का और खादी कपड़ा, और 21 नंबर मोटे कपड़े के लिए जो जीन्स वगैरह बैग वगैरह होते हैं। तो आई होप कि आपको सुई के बारे में बहुत अच्छे से पहचान हो गई होगी। देख लेते हैं अपनी पहली टिप। दोस्तों, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, जैसे टी शर्ट, लोअर, बनियान का, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 11 नंबर सुई इस्तेमाल होती है इस तरह के कपड़े पर। अगर आपके पास में 11 नंबर सुई नहीं है, नॉर्मल 16 या 18 नंबर सुई है, तो इसमें क्या चेंज किया जाए जिससे कि इस तरह के कपड़े के ऊपर सिलाई लग जाए? देखिए, डबल साइड जो टेप होती है ना, बस उसका छोटा सा पीस आपको लेना है और फूट को निकाल देना है। छोटा सा पीस कट करना है और फूट के बैक साइड में इसे हमें लगा देना है। एक्स्ट्रा है जो उसे कट करके हम अलग निकाल देंगे, और इसका ना पेपर नहीं निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे इधर ही हमें टाइट से कस देना है। ये देखिए, पेपर नहीं निकालना नीचे वाली साइड का, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमारी 11 नंबर सुई काम करती है ना इस तरह के कपड़े के ऊपर, तो वही सिलाई लगेगी, सुई बिल्कुल भी नहीं काटेगी कपड़े को। वरना मोटी सुई से सिलाई करते हैं ना, तो इसमें ना छोटे छोटे होल हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगाने के बाद में एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी। अगर आपके पास में 11 नंबर सुई नहीं है तो आप ये टिप जरूर ट्राई करके देखिएगा, 100% काम करेगी। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टिप। जब भी पॉलीथीन के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो पॉलीथीन कट जाती है। तो देखो, मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का एक बैग बनाया था, क्योंकि बच्चों के पाउच वगैरह होते हैं जब भी हमें सिलाई लगानी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं न्यूज़पेपर या रफ कॉपी के, उसके बाद जहाँ पर भी सिलाई लगानी है न्यूज़पेपर का पीस रखिए, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाइए, उसके बाद में पेपर को हटा देना है, तो सिलाई एकदम से परफेक्ट आएगी, बिल्कुल भी पॉलीथीन नहीं कटेगी। तो ये टिप आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप अपने बच्चों के पाउच वगैरह होते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के, उनके ऊपर सिलाई लगाते हैं, तो ये टिप 100% काम करेगी। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। दोस्तों, मशीन की फुल रिपेयरिंग हम कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, मेन पार्ट है, उसकी हम क्लीनिंग करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि इस पेज को खोलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डस्ट मिलेगी। कई बार ना मशीन बहुत ज़्यादा हार्ड चलती है, तो किस कारण से चलती है, आप देख रहे हैं जो गूंज है ना इसकी, ये वाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट फंस जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड चलती है। इसके अंदर आपको अच्छे से क्लीनिंग करना है कपड़े से, तो जितना भी गंदगी है, कचरा है, उसे निकाल देना है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर आपको मशीन का ऑयल जरूर डालना है इधर की साइड। मशीन आवाज़ नहीं करेगी,
जो खटखट की आवाज़ करना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा टाइट चलती है ना मशीन, वो इसी वजह से चलती है। तो एक बार ये क्लीनिंग आप ज़रूर करके देखिए मशीन की, अगर आपकी मशीन ज़्यादा हार्ड चलती है। एक मैं आपको बताती हूँ एक दूसरा काम, ये वाला जो फूट वाला पेच होता है ना, कई बार हम उसे ऊपर की साइड कर देते हैं लेकिन बार बार वो नीचे गिरता रहता है क्योंकि वो ना यहाँ से लूज हो जाता है। तो ये वाला पेच मैं सोच रही थी कि अब आगे की साइड से हमने इसे खोल ही दिया है तो चलो इसे भी ठीक कर लेते हैं। ये वाला पेच खोल देना है और आपको ये वाला पेच है जो इधर की साइड से जो पिन में लगा हुआ उसे अच्छे से ठोकना है, उसके बाद ये वाला पेच टाइट से कस देना है तो ये पिन हमारी बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगी, वरना हम जब ऊपर की साइड इसे कर देते हैं तो बार बार वो नीचे की साइड गिरती रहती है। अब जो हमने पार्ट खोला था मशीन का उसे इधर ही फिट कर लेना है। जब भी आप मशीन की क्लीनिंग करते हैं तो ये वाला पार्ट खोलकर आप एक बार ज़रूर क्लीन कीजिएगा, उसमें ऑयल डालिए तो मशीन कभी भी हार्ड नहीं चलेगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। दोस्तों कई बार मशीन के जो दांते हैं वो कपड़े को आगे की तरफ धकेलते नहीं हैं, ये देखिए वहीं की वहीं कपड़ा खिंचता रहता है, या तो ये घिस जाते हैं या फिर अंदर की तरफ धंस जाते हैं। तो मेरी मशीन में ना ये कई बार ऐसा होता है कि नीचे की तरफ धंस जाते हैं, तो मैं उसे कैसे ठीक करती हूँ चलो मैं बताती हूँ आपको। ये वाला जो पेच है आप देख रहे हैं वीडियो पर, उसे आपको थोड़ा सा लूज करना है पेचकस से। आप अगर मैकेनिक को दिखाएंगे ना तो वो तो इसे घिसे ही बताएगा और दूसरे डाल कर जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये खोलने के बाद में आपको एक हथौड़ी ले लेनी है या प्लास ले लेना। तो इधर की साइड ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसे ऊपर की तरफ हम धकेलेंगे तो हमारे दांते हैं जो ऊपर की साइड निकल कर आएंगे, ये वाला हमारा नीचे की तरफ धंस जाता है जिसकी वजह से दांते नीचे धंस जाते हैं और मशीन कपड़े को आगे की तरफ नहीं धकेल पाती है। तो इसे ऊपर की तरफ करना है थोड़ा सा पुश और इस पेच को टाइट से इधर की साइड कस लेना है। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप एक बार मशीन के दांते चेक कर लीजिए कि वो नीचे की साइड धंसे तो नहीं है, तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे, वरना मैकेनिक तो आपकी मशीन में दांते डालकर ही जाएगा। अब मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ खाली बिना धागे के कि मशीन किस तरह से कपड़े को आगे की तरफ धकेल रही है, ये देखिए। तो दांते घिसे नहीं थे, दांते हमारी मशीन के नीचे की साइड धंस गए थे जिसकी वजह से ये कपड़े को ना आगे की तरफ नहीं डाल पा रही थी। तो इस तरह से आप अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, और नेक्स्ट टिप है मेरी बॉबिन को लेकर। दोस्तों कई बार बॉबिन का जो धागा होता है ना वो बहुत ज़्यादा लूज निकलता है और जिसकी वजह से मशीन हमारा गुच्छा देना शुरू कर देती है, धागे को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ये देखिए कितने ईजली से ये धागा निकल कर आ रहा है। वैसे हमने धागे को अच्छे से डाल रखा है लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ इसका पेच निकाल कर। तो इसका छोटा सा पेच है और इसके लिए आपको पेचकस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो हमारा बॉबिन होता है ना उसी से हम इसे खोल सकते हैं। तो इसकी एक पत्ती होती है पेच के नीचे डली हुई, उसे हमें निकालना पेच को खोलकर। और पेच बहुत ही छोटा सा है, खो नहीं जाना चाहिए वरना इसकी वजह से हमारा पूरा बॉबिन केस खराब हो जाएगा। तो देखिए इधर की साइड धागा फंसा हुआ है, इस धागे की वजह से इस पत्ती के अंदर गैप आ जाता है जिसकी वजह से धागा बहुत लूज निकलता है, और लूज निकलेगा तो मशीन कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करेगी और मशीन गुच्छा देना शुरू कर देगी। इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, पेच को उधर की साइड ही टाइट से कस देना है बॉबिन से ही, ये देखिए। तो ये हमारा बॉबिन केस एकदम से ठीक हो गया है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले मैं इस पेच को ना टाइट से कस के दिखाती हूँ आपको धागे को खींच कर। ये देखिए कितना टाइट से धागा निकल पा रहा है। अब दूसरा तरीका है बॉबिन को ठीक करने का, मतलब कि कई बार बॉबिन ना बहुत ज़्यादा घूमती रहती है बॉबिन केस के अंदर, इसकी वजह से भी धागा बहुत ज़्यादा लूज निकलता है। ये देखिए धागा बहुत लूज निकल रहा है इसके अंदर से। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटा सा बुकरम का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, और इसके ऊपर बॉबिन को रखना है और एक राउंड शेप में ना इसी के हिसाब से हमें सर्कल कट कर लेना है, जितना हमारा बॉबिन है ना बॉबिन का साइज उसके हिसाब से। अब इसे फोल्ड करना है दो बार और इसके कोने पर बिल्कुल बीचों बीच छोटा सा कट लगाना है और इसे इसके अंदर डाल देना है बॉबिन केस के अंदर। अब बॉबिन को डाल देंगे तो धागा बहुत टाइट से निकलेगा जैसा हमें चाहिए मशीन के लिए। तो इस तरह से आप अपने बॉबिन केस को और बॉबिन को ठीक कर सकते हैं। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। दोस्तों नेक्स्ट टिप है मेरी सुई को लेकर। कई बार आपने देखा होगा सिलाई करते करते ना सुई
कपड़े को ना सिकोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर जंग लग जाता है, कई बार उसकी नोक मुड़ जाती है इधर की साइड से। तो इसे ना चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको सुई को इस तरह से पकड़ना है, ऊपर से नाखून से इस तरह से देखना है, तो नाखून ना रुक जाता है नोक के पास में। तो इसे ठीक करने के लिए आपको लेना है नेल कटर, जहाँ से हम ना नेल कट करने के बाद में घिसते हैं, उधर की साइड से आप सुई के ऊपर इस तरह से रगड़िए, ये देखिए, तो जितना भी जंग है वो हट जाएगा और जो इसकी नोक मुड़ी हुई है ना वो एकदम से सही हो जाएगी। तो आपकी जो सुई मशीन की सिलाई सही नहीं देती है, तो आप इस तरह से एक बार ठीक कर सकते हैं उसे, देखिएगा, तो आपको नई सुई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे ना आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ, वरना जब हम पहले सिलाई लगा रहे थे इस सुई से तो कपड़े को सिकोड़ती थी ये बहुत ज़्यादा, जो कपड़े के धागे होते हैं ना उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देती है, ये देखिए। और कभी भी आप सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई लगाने के बाद में ना देखिए धागे को थोड़ा सा खाली चलाकर कट करना चाहिए आपको, वरना हम जब दोबारा सिलाई लगाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो धागा निकल जाता है। तो देखिए सुई एकदम से सही हो गई है और एकदम से परफेक्ट सिलाई आई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।